Hello guys, welcome to my YouTube channel Mix Entertainment. I'm Fakhruddin Khokhar. आज पुशअप स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात होगी कोरोना वायरस की सिचुएशन के ऊपर, वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है. तो चलते हैं WHO की वेबसाइट के ऊपर और देखते हैं कि क्या स्टैटिस्टिक्स हैं. सो गाइस, ये कोरोना की रीसेंट रिपोर्ट है फ्रॉम WHO वेबसाइट. ये लेटेस्ट रिपोर्ट है अभी तक की. 31 मार्च 2020 को ये रिपोर्ट आई है. अब बात करते हैं ग्लोबली कितने केसेस सामने आ चुके हैं अभी तक. ग्लोबली 7,50,890 कंफर्म केसेस हैं अभी तक, जिसके अंदर से 57,610 31 मार्च को रिपोर्ट हुए हैं और 36,405 डेथ्स अभी तक हो चुकी हैं. 31 मार्च को 3,301 डेथ्स हुई हैं. ये वेस्टर्न पैसिफिक रीजन की रिपोर्ट है, ये यूरोपियन रीजन, ये साउथ ईस्ट एशिया रीजन, ये सारी आपको WHO की वेबसाइट से मिल जाएंगी. अब हम बात करते हैं कंट्री वाइज देखें तो चाइना के अंदर 82,545 केसेस अभी तक कंफर्म्ड हैं, जिसके अंदर से 3,314 की डेथ हो गई है और टोटल न्यू कंफर्म केसेस जो हैं 98 हैं. और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, ये सारा रिकॉर्ड आप लोगों के सामने है. अब बात करते हैं इटली के ऊपर. इटली के अंदर 1,01,739 अभी तक केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर डेथ काउंट जो है वो 11,591 लोगों की हो चुकी है. इसी तरह स्पेन का काफ़ी हाई नंबर है, 85,195 केसेस अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं. अब नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा. ईरान के अंदर 41,495 केसेस अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर से 2,757 डेथ्स हो चुकी हैं. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नंबर सबसे हाई है, 1,40,640 टोटल अभी तक केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके अंदर से 2,398 बंदे अभी तक फौत हो चुके हैं और टोटल केसेस जो 31 मार्च को रिपोर्ट हुए हैं वो 17,987 है. अब बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर. पाकिस्तान के अंदर 1,865 केसेस अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर से 25 की डेथ हो गई है और 240 केसेस 31 मार्च को रिपोर्ट हुए हैं. और इंडिया के अंदर 1,071 केसेस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं और टोटल डेथ्स इंडिया के अंदर 29 हो चुकी हैं. तो गाइस, ये एक सीरियस मसला है, इसको सीरियसली लें. ये कोई मूवी नहीं चल रही, ये कोई मजाक नहीं हो रहा. कंपनीज क्यों बंद हैं, कारोबार क्यों बंद हैं, कोई वजह, इसी वजह से सब कुछ बंद है. तो प्लीज़ खुदारा घर में रहें, अपनी फैमिलीज़ को टाइम दें और घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है. लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि यार, अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, चाइना, हमारा मुल्क इतना एडवांस मुल्क नहीं है, तो हमारे मुल्क के अंदर केसेस और भी ज़्यादा हो सकते हैं, अल्लाह ना करे हो, लेकिन हो सकते हैं अगर प्रॉपर टेस्टिंग की जाए. तो इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग घर रहें. तो स्टेटिस्टिक्स आपने देखे हैं, ये कोई मजाक नहीं चल रहा, लोग इस चीज़ को लाइट ले रहे हैं बहुत ज़्यादा. आप देखें ग्लोबली हर चीज़ बंद हो गई है, कंपनीज बंद हो गई हैं. पाकिस्तान के अंदर इवन देख लें, कंपनीज बंद हो गई हैं, फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, कारोबार सारे खत्म हुए हुए हैं. तो कोई इशू है, सीरियस इशू है, इसी वजह से ये निज़ाम सारे बंद हुए हुए हैं. तो खुदारा घर बैठें, घर से बाहर ना निकलें और अपने घर वालों को, दोस्तों को, इन सब को यही तनकीद करें. और इन सब से अगर आप लोगों ने बात करनी है तो आप फ़ोन पे कर लें, ज़रूरी नहीं कि जाके मिलके ही आपने बात करनी है. तो काइंडली इस इश्यू को सीरियसली लें, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं. सो आई होप कि आप लोग मेरी बात पे अमल करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं अपना पुशअप चैलेंज. सो दिस इज़ डे 8 एंड Let's start. Let's start.
guys, we are done with our today's push-up challenge. Hope you like my content. Please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.